वही ग्वालियर में एक पति ने गृह कलेश के चलते अपनी पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी। उसके बाद परिजन और पुलिस को गुमराह करने के लिए हार्ट अटैक की कहानी बनाई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कर्म का खुलासा होने के बाद आरोपी पति से जब पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि दोनों के बीच आए दिन गृह कलेश चलता रहता था, जिससे वह काफी परेशान हो गया था और उसने पत्नी सुप्रिया का गला घोटकर हत्या की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। हमारा पूरा थाना अंतर्गत पति पत्नी के विवाद में एक हत्या का मामला सामने आया है। पूर्व में पति द्वारा सूचना दी गई थी कि हार्ट अटैक से पत्नी की मृत्यु हुई है और बाद में जो पीएम रिपोर्ट में जो तथ्य आए उनके आधार पर गला दबा करके दम घुटने से मृत्यु होना पाया गया है और बाद में पूछताछ करने पर कड़ाई से पति द्वारा पत्नी का गला दबाना आपसी झगड़े के बीच में ऐसा घटना होना बताया उसने। झगड़े की क्या वजह बताइए? पति द्वारा पत्नी को समय ना दे पाना और अन्य जो उनकी पारिवारिक जो कलह की वजह थी उसके आधार पर कल रात में विवाद हुआ दोनों के बीच में और पति द्वारा पत्नी का गला दबा करके हत्या कर दी गई, जिस पर से थाना महाराजपुरा में अपराध पंजीबद्ध किया गया।